हम लोगों ने ये जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाया है, इकतदार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग उसका ख्याल रख सकें और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। कि शिक्षक की मांगे और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। अभी हम लोग स्थानांतरण नीति पर बात कर रहे हैं उससे संबंधित, और एक चीज और, एक और, एक और बात बता दें, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है और 6421 अनुकंपा के मामले थे उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से वॉक कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिले में हम लोगों ने रखा है, मेरी बात मेरी एक एक करके पूछे। शिक्षक संगठन देखिए, आप सरकारी सेवक जब आप हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे, कि हम लोगों ने उनको उसी जिले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि आप जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून है, आपको सरकारी सेवक के सभी फायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा, तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब करीब 30,000 महिलाएँ हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और अनुशासन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोगों हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है और जनहित में है और शिक्षकों के हित में है और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगे और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो, और जिस तरह से फुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया, और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं, तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए, और जो प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। और उसी कड़ी में हम लोगों ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, उधार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग उसका ख्याल रख सकें और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटिशन्स लिख करके अपलोड करने का, और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे ताकि किसी तरह की शिकायत ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।